हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। समझा, समझने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे बिना बैठे यहाँ हो सकता हूँ? कौन कह रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ? तुम ना हो तो ये कह भी सकते हो मैं यहाँ बैठा हूँ? तो क्या मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, तुम ही सत्य हो। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम उसमें कोई गहरा अर्थ निकालोगे। कोई गहरा अर्थ है ही नहीं। जिस आदमी को 700 श्लोक बोलने हो, वो कहाँ कहाँ गहराई, सीधे जो बात होगी सीधे रख देगा ना, और कुछ कह ही नहीं रहे हैं वो। हाँ, उस पर जो टीकाकार होगा वो 10 पन्ने का टीका लिखेगा इसका अर्थ। तुमसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, बस यही है, तुम ही सत्य हो। अपने आप को बोल रहे हैं, मुझसे बड़ा है। जो ही बोले वही, उसी से बड़ा कोई नहीं है। अर्जुन बोले तो अर्जुन से बड़ा कोई नहीं है। और सर, इस सेकंड लाइन की, इस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं। बोलो भाई, फिर से बोलो उसको। नहीं नहीं, वो तुमने सुना, आपने जो उसको फिर से उसको बोलो पहले। मैं बोलो, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते, उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित है। सब मुझ पर ही आश्रित है। तुम्हारा एक एक अनुभव तुम्हारे होने पर निर्भर करता है। आप पर भी है, जो ही बोले उसी पर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसी पर। और देखिए ना, बहुत सीधी सी बात है। अगर जो ही बोले उसी पर आश्रित है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू ए, और मैं कहूँ x इज इक्वल टू बी सी डी ई एफ जी एच एवरीथिंग, x जो है, x है आश्रित होना। श्लोक कहता है x इज इक्वल टू के, के पर आश्रित है, k फॉर कृष्ण। और साथ ही साथ x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच एवरीथिंग, ए फॉर अर्चना, V for somebody, सब। तो इससे क्या पता चलता है? K is equal to A is equal to B is equal to C is equal to D, सब एक ही है। तो उस जगह पर जहां सब एक है, वहीं पर सत्य है। जब कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं कि मुझ पर आश्रित है, तो कृष्ण अपने चेहरे की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग होते हैं। उनका चेहरा आपका चेहरा अलग अलग है, तो उसकी तो नहीं बात कर रहे हैं। कृष्ण उस जगह से बोल रहे हैं जहां पर चेहरा नहीं बोलता। चेहरे तो सबके अलग अलग है, चेहरा मैं नहीं है कृष्ण का। जब कृष्ण कहते हैं कि पार्थ मेरी शरण में आ, तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो खड़ा हुआ आदमी इसकी शरण में आ। और इसी कारण वो कह पा रहे हैं इतना खुल करके कि पार्थ मेरी शरण में आ। अगर आदमी के लिए कह रहे होते तो ये गहरे अहंकार का वक्तव्य हो जाता कि मेरी शरण में आ। फर्स्ट टाइम अगर मतलब आपको कुछ नहीं पता इस सब के बारे में, और आप एक बार रीड करते हैं, मैंने रीड किया है गीता में, तो हिंदी में जो विस्तार होता है, तो उसमें मुझे सिर्फ यही दिखा उस टाइम पर, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था गीता के बारे में। मतलब कि कृष्ण जी खुद कह रहे हैं मेरी शरण में आ, मैं सत्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इट वॉज लाइक कि कंप्लीट इगोइस्टिक पर्सन जो कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सो मैंने उसके बाद छोटे रहते हैं तो गीता का कुछ पता चलता है कि ये ऐसे कैसे हो, कोई कह सकता है। और फिर हम्बल होना चाहिए, तो हम्बल ये कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। विनम्रता की कमी है, शायद अलाउड है ऐसा कह रहे हैं। और अगर ऐसे बोल रहे हैं तो फिर इन्हें कुछ सुपर स्टडी होना चाहिए। ये बहुत कैसे, अभी तो उनका जो टॉप स्टेटमेंट है वो आपने ध्यान नहीं दिया है। सर्व धर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब कुछ, सारे धर्मों को ही छोड़ दे, बस तू मेरी शरण में आके बैठ जा।
भाई आदमी क्या है, कल चला रहा है अपना, क्या करना चाहता है, तो अर्जुन को बिल्कुल ही पप्पू बना दिया। जब कंडीशनिंग बना देते हैं कि वो भगवान है, ये सवाल ही नहीं उठता है ना ये कौन है, तब तो मान ही लेते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप बिल्कुल सस्ता तरीका कह दीजिए कि भगवान है इसलिए कह रहे हैं मेरी शरण में आके बैठ जा, भगवान है भगवान, भगवान तो बोल ही सकता है ना, सारा गेम ही खत्म हो गया, भगवान है। दूसरा तरीका ये है कि अरे भगवान भगवान नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, तो इस मैं का अर्थ क्या है, जब कह रहा है मेरी शरण में आ, तो कौन सा मैं चल रहा है ये, और ये आदमी कैसा होगा जिसने इतना अपने आप को पा लिया है कि उस मैं की जगह इस मैं की भाषा में बात करनी शुरू कर दी है। हम किस मैं की भाषा में बात करते हैं, और ये भी मैं ही कह रहा है, ये कुछ और शब्द का नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं ही कह रहा है, ये संभव नहीं होता अगर आप बात कर रहे होते। फर्क क्या पड़ता है, गीता है ना, क्या हो गया, गीता है ना, गीता है तो कृष्ण है, आप उल्टा चक्कर क्यों चला रहे हो, कृष्ण होगा तो गीता होगी, गीता सामने है ना, गीता सामने है कि नहीं है, या वो भी कल्पना है, गीता है तो बस जिसने गीता बोली वही कृष्ण है, गीता लिखी गई है, किसी ने बोली है, किसी ने लिखी है, जिसने ही बोली जिसने ही लिखी वही कृष्ण है। ये प्रश्न बेकार का है कि कृष्ण थे कि नहीं थे, अरे क्या फर्क पड़ता है, तो हम इस पे भी यहाँ पे कई बार कर चुके हैं कि युद्ध के मैदान में इतनी सारी बातें कैसे बोल दी, अबे कहीं बोली हो, युद्ध में बोली हो, कमोड पे बोली हो, बेडरूम में बोली हो, पेड़ पे चढ़ के बोली हो, बोली है ना, बस ठीक है। देखो बोल तो कोई भी सकता था, और बोलना सबको चाहिए भी, लेकिन वो जो कोई है जो गीता बोलेगा वो बहुत सारे और कोइयों के नीचे दबा रहता है ना। जब यहाँ ऊपर जन्माष्टमी पे कर रहे थे तो हमने कहा था कृष्ण वॉज एक्सेप्शनली लकी, कि उनको एक बहुत नैसर्गिक वातावरण मिला, अम्मा ऐसी मिली, बाप ऐसा मिला, दोस्त यार ऐसे मिले, खुले में घूम रहे हैं, अपना जो करना है कर रहे हैं, कोई मारपीट दबाने वाला नहीं है। हमको वैसे पेरेंट्स नहीं मिले ना, हमको ऐसी शिक्षा नहीं मिली ना, पैदा तो आप भी कृष्ण ही हुए थे, उसके बाद आपको कुछ और बना दिया गया, क्योंकि सबके अरमान थे कि आप कुछ बन जाएं। तो हम वो हैं जो हमें बनाने वालों के अरमान हैं, हम यहाँ सब क्या बैठे हुए हैं, हम यहाँ सब सपने बैठे हुए हैं, पैदा तो कृष्ण ही होता है, उसके बाद उसको बना दिया जाता है, राहुल बना दिया, सिम्मी बना दिया। जैसे हम कल कह रहे थे ना वो कि तू है तो अनु, तो तुझे मेरे प्यार ने बनाया है, तो ये हम, हमें इतना प्यार दिया गया है कि हम ये बन गए हैं, पैदा तो हम अच्छे खासे हुए थे, ये हम इतना सींचा गया है, अमृत वर्षा की गई है कि हम ये ऐसे हो गए हैं। पिता का प्यार, पति का प्यार, बच्चों का प्यार, समाज का प्यार, शिक्षा का प्यार, कृष्ण वही रहे आए जो उनको होना था, कृष्ण को किसी ने कृष्ण बनाया नहीं। आपने कभी सुना कृष्ण का गुरु, कहीं सुना है, तो बस इसी मामले में लकी थे कि कोई गुरु पुरु नहीं मिला उनको, माँ बाप जेल में थे और कोई कारण नहीं है कृष्ण के कृष्ण होने का।